उत्तराखंड में चुनाव के बाद अब यूकेडी हलचल में नजर आ रही है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश चंद्र पाठक के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी 24 और 25 अप्रैल को पार्टी के द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यकारिणी बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आगामी वार्षिक अधिवेशन, त्रिस्तरीय चुनाव, दल के वित्तीय प्रबंधन के साथ ही संगठन की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चली है और बीजेपी कांग्रेस चोर और चौकीदार का खेल खेल रहे हैं। और आने वाले प्रदेश को हम किस तरह से बचाएंगे, कैसे हम काम करेंगे, इन सभी विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारा अधिवेशन होना है मई माह में, जो अभी तक है होना है, उस पर भी हमारे उसमें बातचीत करेंगे कि कब हमको अधिवेशन करना है, किस तरह से हमने पार्टी को आगे कहाँ कहाँ जो चल रहा है उसको हमको ठीक करने की बात है, और ग्राम स्तर तक हम अपने संगठन को पहुँचाने के लिए उसमें हम किस तरह से काम करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। संवाद 360 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ कुलदीप की रिपोर्ट।